वैद्य का घर है वैसे ही। वो वैसे ही जैसे पहले था, लेकिन हाँ आपस में अलगा होकर के बंटवारा लोग कर लिए हैं। देखिए अभी ये कुआं देखिए वैसे पड़ा हुआ है। सत्रह यानी कि आप युवा थे। अच्छा इसको तो ढक दिया, लेकिन अभी इससे कुछ निशानी देखिए। ये क्या कहते हैं इसको, धरन लगवा लेंगे फिर देखना पानी भरने। तो दोस्तों ये चंदन का घर है जो कि पहले कच्चा था, पक्का चंदन उसमें जो भी जीवा वाले में मेरा सीन है, और उसमें मेरी उम्र 17-18 साल के लगभग हुई, 12th में मैं था। जी जी थैंक यू फैमिली ब्लॉग में। और आप लोग कैसे दोस्तों, आशा करते कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आप पहुंचे हैं विजयपुर गांव में, जहां नदिया के पार की शूटिंग हुई थी, उस गांव में हम आके खड़े हैं, इस टाइम पहुँच चुके हैं। और मैं आपको यहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात कराती हूँ, तो उन चाचा से थोड़ी सी बात कराऊंगी, वहाँ की थोड़ी जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो चलिए आप लीजिए। तो चाचा जी, आप हमारे जो नदिया के पार की जो शूटिंग हुई थी उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। जानकारी वही है कि जो कि वो उनका घर यही जाना लग गया, वो उसके बाद तो सब बिगड़ गया है, नया पुराना हो चुका, क्या बताऊँ। हाँ बात यही है। हाँ ये है कि जगह दिखा सकता हूँ। हाँ तो हमें वो जगह वहाँ की जहाँ शूटिंग हुई थी, हाँ। वहाँ की लोकेशन वो जगह हमें देखनी है, हाँ, कि कहाँ जगह तो मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो बाड़ा टाइप बना दिए हैं लोग, उसको कच्चा घर गिरा करके है, तो वो भी जगह मिलेगी। और जो घरवा में नहीं जाने होने देते हैं लोग, जहाँ वैद्य रहते थे, वैद्य का घर है वैसे, वो वैसे ही जैसे पहले था, लेकिन हाँ आपस में अलगा होकर के बंटवारा लोग कर लिए हैं। हाँ मतलब हाँ, चार भाई चार जगह हो, हाँ, मतलब पटिशन, पटिशन डाल दिए हैं, सब यही है। वो तो होता है आजकल जमाने में, ये तो आम बात है, क्योंकि कहीं आप आजकल एक मतलब एकजुट कोई परिवार रह ही नहीं सकता है, सब लोग बट जाते हैं, आते मतलब भाई भाई रह लेते थे, जब शादी नहीं होती थी तब रह लेते थे, शादी हो जाती है जहाँ बहुए आ जाती है तो घर बटना है, तो बटना है, सही बात कहा। तो मेन जरिया है कि बहू आ गई और घर बटना है, तो एकता तो रह ही नहीं सकती है। पर वैसे तो मैं सही बताऊँ ना, कि परिवार को एकता ही रहनी चाहिए। देखिए एक लाठी हर कोई तोड़ देगा, अगर वही मुट्ठी बनकर रहेगा तो मजा ले, कोई कुछ कर ले, नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या करोगे, औरतें आ जाती है ना, तो सिर्फ अपने आपस में खटपट करके अलगा कराएगी, अलगा बिलगा हो जाती है। चलिए ये तो आम बात हो चुकी है। तो जहाँ ही इसकी नदिया के पार की जो शूटिंग हुई है, वहाँ का कुछ हम लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए हमारे संग बने। जहाँ वो जो झूला पड़ा था, जी जी, वो बरगद भी गिर गया, वहाँ शंकर कुमारदी मंदिर बना, मंदिर बन गया। अच्छा, अच्छा मंदिर बन गया है, मंदिर भी अच्छा है। अच्छा वो जो के जहाँ झलुआ पड़ रहा है, झूल रही है वहाँ, वो अभी निशान उसका अखाड़े का निशान है। अच्छा अच्छा वो अखाड़ा था, वो पक्का है, उसमें कुश्ती लोग लड़ते थे ना। तो अभी हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं जो जा रहे हैं हमारे साथ, और हम देखेंगे नदिया के पार वाला, यही गांव है विजयपुर, और हमको सबसे वृद्ध व्यक्ति मिले हैं जो कि इच्छुक हैं हमको दिखाने के लिए। तो आइए कंटिन्यू बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। 41 सालों में जो गांव में कुछ जो भी कुछ भी बदल गए हैं, आप देखिए अभी ये कुआं देखिए वैसे पड़ा हुआ है। चाचा जी, इस कुएं का भी कुछ लोकेशन लिया गया था? अच्छा सर, आपकी क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय हमारा उम्र था 17-18 साल। 17 यानी कि आप युवा थे। और गांव में कैसे हलचल हुए थे जब मान लीजिए शूटिंग कितने दिन चली थी यहाँ पर? अरे कम से कम 1.5 महीना चला। 1.5 महीना ज्यादा चल रही थी। मैंने सुना उस समय जितने भी बकरे मुर्गे थे यहाँ के सब खत्म हो गए थे। उस गांव में नहीं बचा था, सब खत्म। अगर ये जी 1982 वहाँ 80-82 हाँ अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अभी गांव में देखिए एक पुराना मकान हमको दिखा, ये भी काफी जर्जर अवस्था में है। अच्छा अच्छा चाचा जी, आपकी कितनी अवस्था हो गई? 80+ हो गई ना आप? हाँ 71 वर्ष। चलिए अच्छा ये मकान, हाँ हाँ मुझे पुराना दिख रहा है। हाँ अच्छा अच्छा
कुछ यार से उन्होंने आई ले यार से बैठा ले। अच्छा ये मेयर तब भी था नहीं ये? अरे आज तो बहुत लहरदार टिकुली सांट के निकली हो। जैसे तुम पर सांटी है। अरे तुम पर सांट लेती तो किस्मत बन जाती हमारी। 20 साल से टुकर टुकर देख रहे हैं। देखा मिश्र रंग बिरंगी साड़ी का तेवर है दिवलिया ना। अच्छा देवाल नहीं थी लोकेशन आवत रहा। जी जी पंडित जी लोग काटता। अच्छा वहाँ बैठ के मेरा यहाँ बल्टिया गिरल तब है पाटल ना रहा खाल। अच्छा 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 कच्चा घर यह दीवार ना रहा वो बगलिया हमार मड़ई रहा वो देखात रहा लाल लाल मुखिया घर मड़ैया। क्या बात है इतने सालों बाद भी अभी कुछ चीज़ें हैं। देखिए गांव में जैसे पुराने अगर पेड़ वगैरह होंगे तो अभी पड़े होंगे। अच्छा ये रहा वो कुआं। हाँ मैं देख लिया ये देंगे माँ। कारे चंद जान फिर किसकी खातिर दोगे? तुम्हारी खातिर दे देते भौजी पर क्या करें तुम तो अनुरोध भैया की जान लिए बैठी हो। मिल गई। ये ले तो हार पालती। रस्सी टूट नहीं गई थी फंदा खुल गया था। मजबूती से फंदा बांधने को भी नहीं आता। इसको तो ढक दिया लेकिन अभी इसकी कुछ निशानी देखिए। ये क्या कहते हैं इसको धरन। ये देखिए यही जो कुआं था ये। नहीं नहीं बहुत 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 बढ़िया क्योंकि अगर बोरवेल या कुआं खुदा रहता तो बच्चे को जाने के डर रहता। ये उनका चंदन वाला घर। चंदन वाला घर। अच्छा ये सामने से देखा। अच्छा काफी अच्छा। जी 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 ये है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों ये चंदन का घर है जो कि पहले कच्चा था पक्का हो चुका है क्योंकि पहले के लोग भी नहीं है जो चाचा जी हमें बता रहे हैं। अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों को सब लोकेशन ही दिखा रहे हैं सब सही चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया दोनों का दोनों चाचा का कहाँ की जानकारी है। और आपने कुछ फिल्मों में वो वगैरह देखा होगा जैसे कि जब वो साइकिल से आता है तो इस मकान को जो दिखाया गया है तो इस मकान का जो सफाई यानी प्लास्टर नहीं हुआ था तो ये वही मकान है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप इसमें। चंदन अरे ओ चंदन तुम्हारे भैया ओंकार जीजा कहाँ है? वो तो भीतर है। कहाँ है जरा बुलाओ उनको। तुम्हारी भौजी सीढ़ी पर से गिर पड़ी है। अरे कोई बात नहीं। अरे हजारन बार खिंचाई का लाल जो बीजी वो आया वाला गाना तो वही है। हाँ तो पिताजी हमको दिखाएंगे आज पूरा गांव। ये क्या था तभी रास्ता था ये? हाँ, अच्छा बन गया यहाँ पे हुआ था। जोगी जी वाला गाना की शूटिंग। अच्छा अच्छा ये अभी है मकान ये पड़ा हुआ है। नदिया के पार यानी विजयपुर गांव भ्रमण करते हुए हमको मिले ये चाचा जी जो उस समय इनकी उम्र क्या थी ये खुद ही बताएंगे। सर आपकी क्या उम्र थी उस समय? मेरी उम्र 18 साल लगभग। 18 साल की। तो आपने वो जो फिल्म में गाना देखा होगा कि जोगी जी वाह तो इनका प्रथम मतलब जो गाने की शुरुआत में शायद आपने था। हाँ बताइए आप। जी 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 उसके बाद मैं नहीं
यानी परीक्षा की वजह से, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है ये कालजयी रचना यानी जो नदिया के पार हैं लोग आज भी उतने ही चाव से देखते हैं जो उस समय यानी 1982 में थिएटरों में देखते थे, आज भी लोग यूट्यूब पर सर्च करके पूरे परिवार के साथ ये फिल्में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सामने ये कच्चा घर आपको दिख रहा है ये उस ज़माने में भी ऐसे था, हालांकि वो ऊपर खपड़ैल था यानी खपड़ा रहा होगा, लेकिन अब जो है ये सीमेंटेड चादर बन चुकी है। जी वहाँ पे सेमर का पेड़ था, वहाँ ऊपर थोड़ा, अच्छा यहाँ पर सेमर का पेड़ कट गया, वहाँ पे एक मड़ई थी, दिखेगी मड़ई भी। अच्छा अच्छा, उसमें पिक्चर में देखे उसकी दीवार मड़ई की दिखेगी, ठीक है, हम खोज के उसको लगा देंगे। पपीते का पेड़ वगैरह था जो है, अच्छा इधर कटहल का पेड़ छोटा होगा, उसमें अच्छा छोटा रहा होगा, उस टाइम में बड़ा होगा, कुआं तो था ही है ना, कुआं था, कुएं का सीन है जब ना आए कि पनिया पिए थे जन कहीं, अब नहीं ये नहीं जी जी भूत वाला जो नहीं वो लगते ही लगता, अच्छा मत ये लगा लो, नहीं नहीं वो तो कहीं रास्ते का है, हां रास्ते का है। तो देखिए आप और दर्शकों इस गांव के उधर जो है ना वहां पे जी वहां पे शूटिंग हुई थी, अभी आप नदिया के पार गाना चालू करेंगे तो मड़ई का सीन हम दिखा देंगे, वो जो पेड़ है उसकी उस तरफ वो सेमल का पेड़ है और वो मड़ई थी। अच्छा 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 ठीक, थोड़ा बहुत। तो अभी देखिए हम लोगों की सेवा के लिए आ चुका है ये पानी और बिस्किट, और ये माता जी अभी जान लीजिए गांव अभी भी जिंदा है, पुराने जो रीति रिवाज संस्कार हैं आज भी गांव में भी देख सकते हैं, और चाचा जी के सौजन्य से आज हम पूरा गांव भ्रमण करेंगे, जिसे कहते हैं ना गांव में पूरे पूरे परिवार पूरे गांव वालों। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में गांव वालों के लिए दो शब्द जरूर लिखना, क्योंकि ये विजयपुर गांव के लोग वही लोग हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दे के ये फिल्म बनवाई और आज वो अमर एक रचना हो गई। तो सामने जो लोकेशन देख रहे हैं आपको उसके लिए चाचा जी कुछ बताए, हाँ बताइए सर। वहाँ पे वो पेड़ है ना उसके बाजू में वो मड़ई थी, अच्छा अच्छा, और यहाँ जो ये रखा हुआ है ना खाद रखी हुई यहाँ यहीं से यहीं पे शूटिंग हो रही थी, यहाँ पे ये जो सीन है वो, अच्छा जो मड़ई वाली सीन थी, हाँ मड़ई वाली जी 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 वहाँ पे वहीं पे वो शूटिंग हुई थी इस सीन का भी। तो चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस छोटी सी वीडियो के लिए आपने बहुत मेहनत किया और ये जान लीजिए आपके सहयोग का हम काबिल तारीफ हैं। बढ़ते हैं फिर आगे हम शूटिंग लोकेशन की तरफ, आइए चाचा चलिए चलिए आगे आप लोग रहिए। हाँ चलिए आगे। तो यहाँ पर हुई थी जोगी जी वाह फिल्म गाने की शूटिंग और चाचा जी हमको आगे लेकर चलते हैं। ये मड़ई तब भी वही थी, थोड़ा आगे वाले थोड़ा आगे मतलब आगे था घर के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं तो यहाँ पर हुई थी जोगी जी वाह गाने की शूटिंग हुई थी, और जो कटहल का पेड़ आप जो पीछे देख रहे हैं वो उस समय पे काफी छोटा हुआ था। हाँ, और यहाँ पर थी मड़ई ना, हाँ जी ठीक है, जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मड़ई ये यहाँ पर थी, सामने अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है आगे चलते हैं फिर। किधर चलते हैं आप? अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर, अरे ये भी तो थी, इनका क्या रोल था? अच्छा 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 अच्छा, क्या हर घर पर कुआं होता था क्या चाचा जी उस समय? अच्छा ये भी कुआं था, तभी उस समय ये कुआं था लग रहा है। अच्छा ये अब जाके पटा है, लेकिन ये कुआं शायद उस समय इस पर कुछ फिल्मांकन हुआ था ना। हाँ हाँ, जो लेखक हैं जी 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 जी
अच्छा अब हम लोग चल रहे हैं गुंजा की घर सामने ही है। हाँ हमारे ट्रेवल विद प्रभाकर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आप इसी रास्ते से अपनी हिमालयन लेके आए थे। चाचा जी पूछ रहे गाड़ी उनके गाड़ी गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है। बाप रे बाप जी प्रणाम पप्पा पाला की हाँ अच्छा तब की रहना पैदा धाल वाला इसमें नदिया पास बने रहता है क्या भी ना रहना पैदा ये देखो ये ना देखा ये ही ना रही अच्छा 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 ये चीज है तो ये कुआं था है? ए गुंजिया तू यहाँ काहे को छुपी है हाँ तुम्हें मौका देने के लिए कि बलिहार वाले को तुम भी तो देख लो ऐसे तो अम्मा बाबू तुम्हें देख लाते नहीं तुझे कैसे मालूम कि बलिहार से आए हैं अरे हम ही ने तुम्हें घर बताया यार कच्चा बैठका रहा इधर बैठका रहा कच्चा जगह अच्छा अच्छा ये बैठका रहा था जी 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 ये घर आ हो ये घर होगा है या बोसरिया बनल है बाबू पूजा पर बैठे हैं आपको फिकर बुला रहे हैं तो अभी हम आ चुके हैं बैद्य जी के घर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ताखा यहाँ पर कभी सीढ़ियाँ भी रखी हुई करती थी यही है वो घर जिसके आप कुछ हिस्सों में जो है अब मान लीजिए बंटवारों के नाते या क्या है कि अब अलग बनाकर बन गया है लेकिन फिर भी आप आज देख सकते हैं कि अभी भी उसी अवस्था में ये मकान है। देखिए यही दरवाजा है जो कि यहाँ पर उस पिक्चर की शूटिंग हुई थी। अरे बच्चे आ रहे हैं देखिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका तीसरा भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे और इस गांव के लोगों ने जो भी सहयोग दिया उसका हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।